अगर आप आपकी म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप इन तीन स्टेप्स को मिस नहीं कर सकते फर्स्ट स्टेप है नो योर गोल आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का और ये गोल डिफ़र करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एज के ऊपर इनकम के ऊपर लाइफ के ऊपर आपके गोल डिफर हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिंगल है तो आपका गोल हो सकता है फर्दर एजुकेशन गेट मैरिड बाय अ न्यू कार और हाउस देन सेकेंड है टाइम होराइजन आपने गोल तो आइडेंटिफाई कर लिया उसी के साथ आपको ये भी देखना होगा कि आपको उसको अचीव करने के लिए कितने साल लग सकते हैं कितना टाइम लग सकता है सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका गोल है फर्दर एजुकेशन और बाय अ न्यू हाउस तो वहाँ पे टाइम होराइजन डिफर हो जाता है आप सिंगल हो और आपका गोल है फर्दर एजुकेशन तो टाइम होराइजन रहेगा एक से दो साल का वही बाय अ न्यू हाउस तो वहाँ पे टाइम होराइजन हो जाता है फाइव टू टेन इयर्स का एंड लास्ट है रिस्क एपेटाइट जब आप आपका टाइम होराइजन डिसाइड कर लेते हो तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है आपकी रिस्क एपेटाइट समझने के लिए आपको खुद को ये क्वेश्चन पूछना होगा कि आप कितनी रिस्क ले सकते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल अगर कोई यंग इन्वेस्टर रहेगा तो उसकी इनकम ज़्यादा रहेगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके पास टाइम भी ज़्यादा रहेगा तो वो गो जो रिस्क है वो भी ज़्यादा ले सकता है अगर वही कोई रिटायर्ड पर्सन है तो रिटायर्ड पर्सन के पास लिमिटेड इनकम रहेगी लिमिटेड सेविंग रहेगी उसके साथ वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते सो so, ये डिफ़र करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड यही तीन स्टेप्स हैं अगर इसको आप फॉलो करके ये थ्री स्टेप्स को आप ध्यान में रखते हुए आपकी म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट करोगे तो ये जर्नी आपके लिए बहुत स्मूथ रहेगी एंड इसी के साथ जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम